बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स पर जो है लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम इसकी टाइप्स, इसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, इसकी टियालोजी, इसकी एवोल्यूशन किस तरह से की जाती है, इसके इंपॉर्टेंट कुछ एक्सरसाइजेस किस तरह से हैं, साइकोलॉजिकल जो है इसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है, और इसकी जो रेडियोग्राफिक ट्रीटमेंट किस तरह से, वो सारे का सारा हम जो है इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर जो है हमारा 1 से 2 वीडियो के अंदर भी जा सकता है, तो इस लेक्चर को आपने कंप्लीट देखना है, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता चलूँ कि पेशेंट्स जो हैं ये फ्रीक्वेंटली कंसल्ट करते हैं एक डेंटिस्ट को जब उनको किसी किस्म का कोई पेन या किसी किस्म का कोई जो है डिसफंक्शन जो है क्रिएट होता है, डिसफंक्शन जो है प्रॉब्लम उसको आते हैं, ठीक है, तो टेम्पोरोमैंडिबुलर रीजन के अंदर। और जब ये कंडीशन आ जाती है तो फिर इसमें हमें जो जनरल डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, ओरल एंड मैक्सिलो फेशियल सर्जन के पास जाना पड़ता है, एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है इसमें। इसको फिर हल करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। इसको सर्जिकली भी ट्रीटमेंट किया जाता है, और अमूमन जो ज़्यादातर है वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू जो है इनको सेट किया जाता है, कुछ एक्सरसाइजेस करवा कर, कुछ मेडिकेशंस देकर। तो इसमें बहुत सारी फिर जो है इसकी आगे कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स आर मस्कुलर डिसऑर्डर्स विच आर कॉमनली रेफर टू एज मायोफेशियल पेन एंड डिसफंक्शन। दीज मस्कुलर डिसऑर्डर्स आर जनरली मैनेज्ड विद अ वराइटी ऑफ रिवर्सिबल नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट मेथड्स, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम इसकी जो है टेम्पोरोमैंडिबुलर पेन या डिसफंक्शन की जो है अदर काजेस की बात करें, तो ये जो प्राइमरली विद इन द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में अमूमन होती हैं, तो ये जो है ये काजेस जो है इनमें इंटरनल डिरेंजमेंट्स आ जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है, ठीक है, न्योप्लेजिया आ जाता है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है, क्रोनिक रिकरंट डिसलोकेशन आ जाता है, एंकाइलोसिस हो जाता है, ठीक है, और इन्फेक्शंस और न्योप्लेजिया की वजह से। इनको जो हम फर्दर आगे डीपली स्टडी भी करेंगे, इन जितनी भी मैंने टर्म्स के नाम लिए हैं इनको आगे जाके पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जो अमूमन काजेज हैं इनको नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू जो है नॉन सर्जिकल थेरापी के थ्रू हम इसको जो सेट करते हैं। और उसके अलावा जो है हमारे पास फिर हम इसको जो है फर्दर इसके एवलेशन कुछ तरीकों से करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पेशेंट का एक डीप इंटरव्यू लेते हैं, डीप हिस्ट्री लेते हैं। इंटरव्यू से मुराद आप जो हिस्ट्री टेकिंग प्रोसीजर है इसमें क्या होना चाहिए कि ये कम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए, मतलब इसमें ओवरऑल आपने कोशिश करनी है कोई चीज़ भी नहीं छोड़नी, पेशेंट से हर किस्म की इसमें जो है उसके सिम्टम्स के रिलेटेड क्वेश्चन आपने करने हैं। और इसमें जो है पेशेंट्स में इस अच्छा इस इंटरव्यू के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, इसमें आपने एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन लेना होता है पेशेंट्स की सिम्टम्स का, उसमें इसकी आपने लोकेशन का पता करना होता है। अच्छा, लोकेशन में ये होता है कि कभी कभार पेशेंट आपको जो है खुद जो है बता देता है कि मुझे इस साइड में, इस रीजन में दर्द है, इस रीजन में पेन आ रहा है, इस रीजन में मसला आ रहा है, तो वो जो है मोर रिलायबल है देन किसके के पेशेंट। आपको एक ऐसा पेशेंट आता है कि जो आपको बता देता है कि बस इशारा करता है कि मुझे इस साइड पे पेन हो रहा है, तो फिर उसको ढूंढना आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है, तो फिर उसको आपने सही तरीके से जो है तशखीस करना होता है। एक और पेशेंट आता है जो मोर रिलायबल है, वो क्या है कि वो एग्जैक्ट आपको एक लोकेशन बता देता है, आप डायरेक्ट उसमें जाके उस पर काम कर सकते हैं। तो लोकेशन इस पर बड़ी डिपेंड करती है, पेशेंट जो है जब आपको लोकेशन खुद ब खुद बता देता है तो इसमें आपका जो डायग्नोसिस प्रोसेस होता है, जो आपका ट्रीटमेंट प्लान होता है, वो ईजी हो जाता है। उसके अलावा आपने जो है उसकी पेन की, उसकी सिम्टम्स की, जो वो इन्फेक्शन लेकर आए, जो सिम्टम्स, वो चीफ कंप्लेंट लेकर आया, उसकी क्वालिटी आपने पता करनी है, उसकी सेवरिटी चेक करनी है, क्वांटिटी देखनी है, टाइमिंग देखनी है कि किस टाइम तक होता रहता है, ठीक है, होल डे में होता है या कुछ लम्हे के लिए होता है, सुबह के वक्त होता है, रात के वक्त होता है, ये सारी चीज़ें आपने टाइमिंग में देखनी होती है। सेटिंग इन विच सिम्टम्स अकर, ठीक है, और कुछ सेटिंग्स वगैरह जिसमें सिम्टम्स वगैरह अकर होती हैं, इसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह आती हैं वो आपने देखनी होती हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन सिम्टम्स को जो है बढ़ा भी देते हैं और कुछ जो है इसको कम भी कर देते हैं, तो वो फैक्टर्स आपने इसमें लाजमी पूछने होते हैं, और एसोसिएटेड मैनिफेस्टेशंस वगैरह आपने जो इसे पूछनी होती हैं। फिर उसके बाद जब आपने डीप हिस्ट्री ले ली, फिर उसके बाद आप खुद क्लिनिकल एग्जामिनेशन खुद करेंगे, फिर ये जो एग्जामिनेशन है इसमें आपने हेड एंड नेक चेक करना होता है, उसकी जो है पल्पेशन चेक करनी होती है, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू पेशेंट की आपने ओरल एग्जामिनेशन करनी होती है, उसको जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है उसको आपने देखना होता है, उसको डिटेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद आप इसकी रेडियोग्राफिक एवलेशन भी करते हैं, ठीक है, जिसमें जो है पैनोरामिक रेडियोग्राफी आ जाती है, या उसके अलावा जो है सीटी रेडियोग्राफी भी आ जाती है, उसके अलावा कोन बीन कंप्यूटेड और बहुत सारी इसमें जो है आ जाती है। और हाँ, मेन इसमें जो है आपने फिर साइकोलॉजिकली उसको जो है एविलियट करना होता है, साइकोलॉजिकली आपने उसको जो है
पेशेंट को जो है स्ट्रेस से मैनेज करना होता है उसका, और क्योंकि क्लिनिकल जब उसका प्रोसीजर हो रहा होता है इसका, तो वो साइकोलॉजिकली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो साइकोलॉजिकली जो मतलब डिस्टर्ब होता है उसके अंदर भी टीएमजे डिसऑर्डर हो सकता है। और क्लासिफिकेशन है इसकी टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स की, तो उसमें जो है बहुत सारी, फिर उसमें मायोफेशियल पेन आ जाता है, ठीक है, इंटरनल डिरेंजमेंट्स आ जाती हैं, और उसके अलावा जो है हमारे पास डिजनरेटिव ज्वाइंट डिजीजेस आ जाती हैं, सिस्टेमिक अर्थराइटिस कंडीशंस आ जाती हैं, क्रोनिक रिकरेंट डिस्कुलरेशन आ जाते हैं, रिंकोलोसिस, और ये सारी सारी हम जो इसमें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इरिवर्सिबल ट्रीटमेंट क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, न्यूप्लेजिया, ये सारे का सारा हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें होगा क्या कि नेक्स्ट इसमें जो है हम इसका देख लेते हैं जस्ट इंट्रो। आज हमारा जो है लेक्चर इंट्रो पर होगा, ये जो हमारी वीडियो है पार्ट वन। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट और जो मसल्स डिसऑर्डर्स होते हैं इनको कॉमनली टीएमजे बोला जाता है, टीएमजे डिसऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। और टीएमजे क्या चीज होती है, ये एक ऐसा ग्रुप है, ऐसी कंडीशंस का एक ग्रुप है जो जा ज्वाइंट और जो जा के मसल्स हैं, जा मसल्स जो मसल्स जो जा की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, उनके अंदर डिसफंक्शन क्रिएट करता है और उनके अंदर जो है पेन क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसकी इटियालॉजी भी है, किसी ट्रामा की वजह से ऐसा हो सकता है, टीएमजे डिसऑर्डर आपको हो सकता है, बैड बाइट की वजह से भी हो सकता है, क्लेंचिंग की वजह से हो सकता है, ग्राइंडिंग की वजह से हो सकता है, कोई सख्त चीज़ आपने जो है जो खाने के काबिल नहीं थी लेकिन आपने कोशिश की कि वो आपके हल्क के नीचे से चली जाए, तो फिर आपने सख्त ग्राइंडिंग की, हार्ड ग्राइंडिंग की है, तो उसकी वजह से भी टीएमजे डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो है डिस्क जो आपकी है वो डिसलोकेट हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैनेजमेंट में इसकी जो है हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को देख लेते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो होता है इसमें क्या होता है कि हम उसको मॉइस्ट हीट के थ्रू सेट करने की कोशिश करते हैं, आइस एप्लीकेशंस देते हैं, सॉफ्ट टाइट उसको बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जा एक्सरसाइजेस हैं जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो आपको करवाते हैं, या उसके अलावा डेंटिस्ट जो आपको रिकमेंड करते हैं वो आगे हम जाके पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, स्लीप ऑन वन साइड उसको बोला जाता है, और फार्माकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो मेडिकेशंस के हवाले से, तो उसमें हम एनसेड्स इसको देते हैं ताकि जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर इसका जो मस्कुलर डिसऑर्डर है जहाँ पे पेन या इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। उसके अलावा जो है नाइट टाइम ब्रॉक्सिज्म के जो पेन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम ट्राईसाइक्लिक्स वगैरह लो डोज के अंदर भी हम उसको जो है वो रिकमेंड करते हैं। और उसके अलावा जो है आफ्टर साइकेट्रिक कंसुलेशन के बावजूद भी अगर पेशेंट को क्लिनिकल डिप्रेशन है तो फिर हम उसमें जो उसको एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस देते हैं ताकि जो हमारा ट्रीटमेंट है वो सही तरीके से चल पाए, ठीक है। जो आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे कि स्प्लिंट्स कब और क्यों लगाए जाते हैं, इनकी कब जरूरत पड़ती है। इंजेक्शंस की अगर हम बात करें तो इंजेक्शंस ऑफ टेंडर मसल्स ट्रिगर एरिया एंड आर द ज्वाइंट स्पेसेस विद लोकल एनेस्थीसिया सॉल्यूशन इज यूज फॉर डायग्नोसिस एंड रिलीफ ऑफ सिम्टम्स। कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस रिड्यूसिंग कैप्सुलाइटिस, ठीक है, ये इसमें बहुत इफेक्टिव होते हैं। और बोटक्स वगैरह का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है मसल्स के स्पास्म को जो एलिमिनेट करने के लिए और कंट्रेक्शन की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने के लिए वाइल रिटेनिंग वॉलेंट्री कंट्रोल। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना इसका एक फिजिकल थेरापी ट्रीटमेंट आता है, तो इसमें जो एक खास किस्म की टीएमजे एक्सरसाइज करवाई जाती है, और इस एक्सरसाइज का मकसद क्या होता है कि ये हमारे जा की जो फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ होती है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है, और जो मसल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उनको इम्प्रूव करता है। और यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल भी डिस्कस की गई है, उसके अलावा अगर आप इस एग्जाम्पल को या इस टीएमजे की जो थेरापी है उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बुक रिकमेंड की गई है, जा टू शोल्डर बुक, उसको जाओ पढ़ो, विजिट करो, और वहाँ पे मुकम्मल इसका एक तरीकाकार भी बताया हुआ है जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो के अंदर। टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर सेल्फ केयर फिजिकल थेरापी जो है बड़ा अहम किरदार अदा करती है, जिसमें साइनोवियल ज्वाइंट्स को लुब्रिकेट रखा जाता है ताकि जो हमारी जा की मोशन है उसको फुल रेंज के अंदर मेंटेन किया जा सके। अच्छा, दूसरे नंबर पर यह है कि जो हमारे पास टीएमजे के पेशेंट्स होते हैं उनकी जो माउथ रेंज होती है ओपनिंग करने की नॉर्मल से वो कम होती है, ठीक है। तो फिर हमने पेशेंट्स को क्या करना होता है, उनको बोलना होता है कि आप जो है कंफर्टेबल जहाँ तक आप हो सकते हैं वहाँ तक जो आप अपना जो माउथ है उसको ओपन करने की कोशिश करें, और फिर जो है हम स्लाइटली एडिशनल प्रेशर भी देते हैं ताकि मुंह को जो है आपको जो माउथ है उसको फुली ओपन करने की कोशिश की जाए जो उसकी नॉर्मल पोजिशन होती है।
Another exercise includes stretching the jaw muscles by making various facial expressions. उसके अलावा पेशेंट्स को जो है, जो TMJ के पेशेंट होते हैं, उनको जो है मुख्तलिफ जो है फेशियल एक्सप्रेशंस बनवा कर जो है मसल्स की जो है एक्सरसाइज करवाई जाती है, ताकि इनके जो मसल्स हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आए, ठीक है, नॉर्मल वर्किंग करें, और उनके अंदर किसी किस्म की कोई स्ट्रेचिंग है, कोई मसला आ रहा है तो वो सेट रहे। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं TMJ के पेशेंट्स के अंदर। कुछ पेशेंट्स की आदत होती है कि वो जो है नाइट टाइम ब्रॉक्सिज्म करते हैं, क्लेंचिंग करते हैं, एक्सेसिव गम चेविंग करते हैं, या उसके अलावा उनका इस तरह का कोई स्ट्रेस रिलेटेड जो है लाइफ स्टाइल होता है या हैबिट्स होते हैं, तो उनको हमने जो है ये उनसे अवॉइड कराना होता है। साइकोलॉजिकल कंसोलेशन भी उसमें, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर वो स्ट्रेस का कोई मसला है, उसको नाइट पैराक्सिज्म करता है स्ट्रेस की वजह से, तो उसकी साइकोलॉजिकल कंसोलेशन भी हम करवाएंगे। तो ये हमारा अभी तक पार्ट वन है, जिसमें हमने इंट्रो पर बात की है। इंशाल्लाह डिटेल में हम आगे जाके नेक्स्ट पार्ट टू एंड पार्ट थ्री के अंदर जो है हम इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइजेस की वीडियोज भी लाएंगे, और इसके जो आगे हमने फर्दर कुछ टर्म्स पढ़ी थी उनको भी डिटेल के साथ हम जो है डीपली